हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ नई वीडियो में, जो हम इस समय हैं जीवधानी माता मंदिर, जो आप मेरे पीछे का व्यू है देख पा रहे हो, जीवधानी माता मंदिर। हम ही सभी लोग फ्रेंड्स लोग आए हुए हैं यहाँ का। हम आपके लिए बता दें, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है विरार। यहाँ से करीब आप ऑटो ले सकते हो और पैदल भी आ सकते हो। तो आइए चलते हैं हम आपके लिए ऊपर लेकर के जीवधानी माता मंदिर के पास। आप वीडियो में बने रहें, धन्यवाद। तो गाइस, मंदिर के मेन गेट के पास में ये सूज की दुकान है, यहाँ पर फ्री ये जमा होता है। ठीक, कोई चार्ज नहीं है, फ्री यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो शॉप पर, ये यहाँ पर सभी शूज सुविधा रखने की एंट्री निशुल्क है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो गाइस, हम अब अंदर की तरफ एंट्री ले रहे हैं, सारे लोग हम जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम ऊपर की तरफ। हम सभी फ्रेंड लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं गेट से, आप तो देख पा रहे हो। तो आइए वीडियो में आपके लिए सारा व्यू दिखाने वाले हैं ऊपर जाकर। तो आप वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पर हम सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी 60 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, यहाँ पर ये 70 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। आप वीडियो में सारा कुछ देख पाओगे। आपके लिए तो शॉप में मिलेगी प्रसाद के लिए। आओ, यहाँ दोस्तों सीढ़ियों पर ये दीपक लगे हैं जो आप देख रहे हो। फाइनली आप देख पा रहे हो 330 सीढ़ियाँ हम क्रॉस कर चुके हैं और उधर हमें भी ऊपर पहुँचना है। ये फाइनली हम 820 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और काफ़ी हालत ख़राब हो गई, सांस चढ़ के फूलने, पैरों में थकान। बाकी 1600 भी बाकी हैं, बने रहें, हालत ख़राब हो चुकी तो दोस्तों, हम 1100 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। इनसे मालूम करना चाहते हैं इनको कैसा लग रहा है ऊपर आने के बाद। बोलिए साहब। भाई कुछ खा के आना, जब भी आना बिना खाए मत आना। 1100 सीढ़ी चढ़ चुके हैं और नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है, पीछे घुमा दीजिए। ना भाई, बस ऐसा नहीं है। ये दोस्तों जीवधानी माता के मंदिर के चढ़ते समय ऊपर से व्यू लिया गया है मुंबई का, जो आप फ्लैट से देख सकते हो सभी कोटी बंगला। 1100 सीढ़ियाँ हम चढ़ के ऊपर आ चुके हैं। ये दोस्तों मार्ग है, 1100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमको यहाँ लेफ्ट लेना है, अभी 500 सीढ़ियाँ बाकी हैं। ये सीढ़ियाँ हो चुकी हैं 1200।
जब भी श्रद्धालु अधिक हो जाते हैं तो यहाँ पर ये वैरी लगाया गया है, जिससे कि सभी श्रद्धालुओं के लिए इसके अंदर घुमाकर माता रानी के दर्शन कराए जा सकें। तो ये है ऊपर जाने का रास्ता। इस समय काफ़ी भीड़ कम है तो हम लोगों को सीधे रास्ते से निकाला जा रहा है। अगर इस समय भीड़ अधिक होती तो हमको इस बैरियर के अंदर घुमाने के बाद ऊपर पहुँचाया जाता। ये यहाँ पर सौर ऊर्जा प्लेट लगी हुई है, जिससे कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था की जा सके। ऊपर से लिया गया व्यू है, बहुत ही अच्छा नज़ारा ऊपर से देख पा रहे हो आप। ये फुल व्यू लिया गया कैमरे से। तो गाइस फाइनली हमने जीवदानी माता के दर्शन कर लिए हैं, जो आपने अभी वीडियो देखा था आगे। अब हम इसके बाद चलते हैं ऊपर की ओर, देखते हैं ऊपर हमको भी क्या मिलता है। हम जाएंगे सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर। बाकी जीवदानी माता का मंदिर आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने अभी आपके लिए दिखाया था। जब भी आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपके लिए टॉयलेट यानी शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध मिलेगी। बाकी आप भी सारे यहाँ पर ये देख पा रहे हो। तो हम अभी जीवदानी माता मंदिर के दर्शन करके और अब हम आए हैं बरोड़ा देवी और काल भैरव बाईपास। तो आइए हम चलते हैं, अभी आपके लिए दिखाते हैं। हम इस समय आ चुके हैं सबसे ऊपर, यानी कि लास्ट बिल्डिंग यानी लास्ट टापू पर। तो आप ये देख रहे हो मंदिर का चोटी, यहाँ से हम दिखा दें आपके लिए पहाड़ है और ये मेट्रो ये रेलवे स्टेशन भी है। बाकी आप बिल्डिंग फ्लैट सभी रहन सहन देख रहे हो, मुंबई का सभी फ्लैट्स हैं ये। बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है ये काफ़ी ऊपर आने के बाद। दोस्तों आप ट्रेन देख पा रहे हो, काफ़ी लंबी ट्रेन यहाँ से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ जूम करके।
यह जीवदानी माता का उतरते समय का व्यू काफी अच्छा नज़ारा है। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, जीवदानी माता का मंदिर हमने आपको पूरा गाइड किया, दिखाया। काफ़ी ऊंचाई पर है, 1600 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमने दर्शन किया, ऊपर सारा व्यू दिखाया आपके लिए। अब हम आ चुके हैं नीचे। चढ़ने में जो दिक्कत होती है, काफ़ी परेशानी होती है, उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब भी आप नीचे चढ़ते हैं तो पानी की बोतल साथ में लेके आएँ, काफ़ी प्यास लगती है। ऊपर जाके आपको पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, शौचालय का सुविधा सब मिलेगी, ऊपर प्रसाद भी मिलेगा, नाश्ता करने के लिए भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आइए मैं वीडियो क्या ख़त्म करता हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को ऑन करो, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ चुके। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक्स।